और भैया वेलकम टू हरपन मोला ब्लॉग। जन्मदिन तो बीत गया था लेकिन जो पार्टी रह गई थी वो आज मिलेगी। और यहाँ पे त्रिपाठी जी प्याज छील रहे हैं, हर्ष प्याज छील रहे हैं, इधर संगम मियाँ प्याज काट रहे हैं और सोनी उसको काट उस कटे को काट रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुल मिला के काट रहे हैं। चलिए आज आपको मिलाते हैं विश्व के आठवें जूबे माननीय सर्वपरि अभिनव राणा जी से। अनुभव यथा नाम तथा गुण, अनुभव राणा मतलब अनुभव और राणा का मतलब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। राणा तो बाकी दिनों में क्या होता था, खाना खा के अपना लगा लेते थे साउथ की पिक्चर और शुरू हो जाते थे, लेकिन आज कुछ कहना चाहेंगे कि क्या पनीर का लालच खींच के लाया चाहेंगे कुछ दोस्ती। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, दोस्ती खींच के लाई इनको। दूसरा कल पेपर है अपना, गेम खेलने का टाइम पास हो गया। और राणा जी का कहना है कि इनको दोस्ती खींच के लाई, अब ये दोस्ती ही खाएंगे फिर यहाँ। चलिए भाई गेम खेल रहे हैं, कल पेपर है भाई और क्या करें, कल पेपर भाई, संडे को भी इनका पेपर लगा रखा है, भाई पढ़ाई वाले दिन में तो पढ़ाई होती नहीं इनकी, संडे में क्लासें लगी हैं। चलिए काफी मटेरियल आ चुका है, आज पहली बार हॉस्टल में पहली बार त्रिपाठी जी सब्जी काटने में लगे हैं, आज से पहले हमें नहीं देखा इनको सब्जी वब्जी काटते हुए। मिक्सर भी तो है हमारे पास, चलो और देखते हैं क्या व्यवस्था। भाई सिलेंडर भी इनने रखा है, पार्टी लंबी चौड़ी है भाई, रायता भी हो गया, रायता भी है पीने के लिए। गुप्ता की पार्टी है, गुप्ता की पार्टी है, गुप्ता ओ गुप्ता देखे। और भैया भैया गैस पे पनीर का मसाला चढ़ चुका है, हाय 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 क्या सुगंध आ रही है। और संगम मियाँ चलाए जा रहे, आज मिस्टर से पूरी गाइड दे रहे हैं, कह रहे हैं हम छुएंगे नहीं, तमिलों से बनवाएंगे। और गैस पूरी तैयार है और मसाला फेंटा जा रहा है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, हम भी थोड़ा काम करा लें। भैया ला भैया पनीर का क्या हाल है, पनीर का मसाला जो है सुगंध देने लगा है, तेल छोड़ दिया है। और इधर कपड़े दे, कपड़ा कपड़ा भाई कपड़ा दे। चल रही है जो कि जिसे हम चेस कहते हैं, चेस शतरंज खेला जा रहा है, शतरंज का खेल है, सियार की निगरानी में पूरा शतरंज चल रहा है। और इधर हमारे हर्ष जी बैठे हैं जो बहुत ही परम ज्ञाता है शतरंज के, कोई भी चाल उल्टी नहीं पढ़ने देंगे। चार चाल चल रही है, चार चाल में हो गए, ये नहीं आ रहा, ठीक है तो राज आ रहे हैं। और काफी सामान पड़ चुका है, मसाले पड़े हैं, प्याज में सारा मसाला मिक्स हो चुका है। और ये आए जो कभी कभी दिखते हैं इस समय, बाकी दिन तो पता नहीं कहाँ रहते हैं। आज लग रहा है क्या कहना चाहेंगे, नहीं नहीं भैया यहाँ नहीं सो सकते, भैया बच्चे कह रहे हैं यहाँ नहीं सो सकते आप। आओ भैया करेंगे, उमराव ने पूरा म्यूजिक का व्यवस्था कर दिया है। और यार गम्मा के ओ हो गाना भी चल रहा है, ये मिस्टर हैंडसम एंड मिस्टर फ्रेशर, ये बहुत सपोर्ट है भाई, भाई की गेल चलती है पूरी। काफी मशक्कतों के बाद, मीटर निकलने के बाद, घनिष्ठ परिस्थितियों का सामना करने के बाद आखिरकार
हॉस्टल में वेज और नॉन वेज यूं सरेआम बनाने का जो रिवाज रीत मुहिम आदित्य द्वारा चलाया गया है। सर इधर देखें, आदित्य आदित्य द्वारा चलाया गया है। और एक जो समाज में भेदभाव रहता है नॉन और वेज का, वो जो दूर किया गया है इस मुहिम के उपलक्ष्य में। आदित्य को आशीर्वाद के रूप में तालियों से सम्मानित किया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि सर खुश रहें, बाकी परंपरा चलती रहेगी। ठीक भाई, पुराने जवानों के कुछ हसीन पल याद करते हुए एक पंगत सी लग चुकी है हमारे हॉस्टल में। ये देखिए, सारे बैठे हैं और एक पंगत सी लगी हुई है। शिवम सभी को नमक सा पूछ रहे हैं और ये प्रियांशु अपना सब्जी। अभी कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब मिले कब खाएं। इस पर जी भाई भाई थोड़ा सा और आराम से इस पर जी बताइए कैसा बना पनीर? बहुत बढ़िया पनीर है। चौबीस मिलियन हो गया जी। पनीर कैसा बना है? अरे पनीर तो बहुत जबरदस्त बना, बहुत जबरदस्त। सेटिस्फेक्शन हो गया मैं जी। पनीर कैसा बना? एक नंबर सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम। सोनी जी बताएंगे पनीर कैसा बना? मस्त था, कतई चुम्बेश्वरी। आशुतोष से जरा फीडबैक लेते हैं, कैसा क्या बना, कैसा बना भाई पनीर? बहुत बढ़िया।